प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 17 सितंबर को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले फेज का इनॉग्रेशन किया। दिल्ली के द्वारका में बना ये दुनिया का सबसे बड़ा MICE मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है। लगभग 5400 करोड़ की लागत से बना यशोभूमि हर आधुनिक सेवा से लैस होगा। वैसे कुछ नाम और तिथियां किसी व्यक्ति या संस्था के लिए चमत्कारी सिद्ध होती है, ऐसा ही एक नाम है यशोभूमि। बता दे, बीजेपी को सत्ता शिखर पर पहुंचाने में भी एक यशोभूमि का बड़ा योगदान रहा है। वही आज बीजेपी भले ही सत्ता के शिखर पर पहुंच गई हो, लेकिन अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद बीजेपी की कई राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी। इसके बाद हुए चुनाव में वे सरकारें वापस भी नहीं आ सकी थी। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन की सत्ता मिलते ही उसने मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स मैदान में अपना बड़ा अधिवेशन किया था। पूरे रेसकोर्स मैदान में कुंभ के मेले जैसे टेंट लगाए गए थे। उस समय प्रमोद महाजन की देखरेख में हुए इस भव्य अधिवेशन का नामकरण बीजेपी ने किया था, जिसको रखा गया यशोभूमि। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि 1995 में 7 से 9 नवंबर को हुआ यह अधिवेशन बीजेपी सरकार के लिए शुभ साबित हुआ कि उसके बाद 1996 में बीजेपी 161 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उसे सरकार बनाने का अवसर मिला। यह और बात है कि अनेक दलों को जोड़कर बनी सरकार अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई और सिर्फ 13 दिन की अल्पजीवी सरकार बनकर रह गई। लेकिन उसी समय 13 दिन की सरकार से शुरू हुआ बीजेपी का सत्ता का सफर 2019 में उसे 303 तक ले आया। उस अधिवेशन की आयोजन समिति के सक्रिय सदस्य रहे मुंबई बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर्यू सिंह बताते हैं कि तब शिवसेना बीजेपी की नई नई सरकार बनी थी।